Hello everyone, hope you all doing good and welcome back to my channel Educational Environment. So this video is about some myths, or I should say humors spreading about Pandit Jawaharlal Nehru. So here we start. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन पे जो रॉन्ग एलिगेशंस लगे हुए हैं उसके बारे में, उनके बारे में जो मिसकंसेप्शंस देखने को मिलता है. एज वी ऑल नो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द बेस्ट अमंग द फ्रीडम फाइटर्स हु फाइट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड मेक इंडिया इंडिपेंडेंट. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को आज़ाद कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है. वी पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये चीज़ जानना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है भी या नहीं. सो देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम द डेनिजंस ऑफ व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ऑन द इंटरनेट. आजकल हम सबको ऐसे ही बहुत से व्हाट्सअप फॉरवर्ड मिल जाते हैं, बहुत सी ऐसी रॉन्ग पोस्ट देखने को मिलती हैं जिनका असलियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है. एंड आई रियली होप कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप सही और गलत को डिफरेंशिएट कर पाएंगे. तो फर्स्ट मिथ है यहाँ पे, डिड पंडित नेहरू कन्फर द भारत रत्न ऑन हिमसेल्फ, यानी कि क्या पंडित नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न से सम्मानित किया था. कुछ लोग का मानना है कि उन्हीं ने खुद को ही भारत रत्न दिया था. तो इसका आंसर है नो. इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन. प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद डिट, यानी कि जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भारत रत्न से जवाहरलाल नेहरू को सम्मानित किया था. वेन नेहरू जी प्रिसाइडेड द कैबिनेट मीटिंग्स दैट मेड दिस डिसीजन, एट नो स्टेज डिड ही एवर इवन रेज द प्रॉस्पेक्ट. राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पीएम नेहरू को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया था. जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिए जाने पर हमेशा से विवाद रहा है. सोवियत यूनियन के दौरे से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू को मिला था ये भारत रत्न. इसके सिवा एक और मिसकंसेप्शन देखने को मिलती है, और ये मिसकंसेप्शन है क्वेट के रूप में. तो ये कहा जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स हैं, आई एम इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू बाय एक्सीडेंट. बट द क्वेश्चन इज, डिड द पंडित नेहरू एवर से दिस, क्या सच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला था. वन क्विट गोइंग अराउंड द इंटरनेट डैट क्लेम डैट पंडित नेहरू सेट, क्या वाकई इसमें सच्चाई है. इस क्विट की मीनिंग पे ध्यान देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस क्विट, नेहरू जी का कहना यह था कि मैं शिक्षा से अंग्रेजी, संस्कृति से मुसलमान और दुर्घटना से हिंदू. इज डैट ट्रू, क्या उनके ये वर्ड्स थे. सो द आंसर इज नो. फैक्ट चेक से ये पता चलता है कि ये बिल्कुल झूठ है. पंडित नेहरू ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा. पंडित नेहरू नेवर थॉट सच थिंग, लेट अलोन सेट इट. डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, हु इज प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा फॉर अ वाइल इन 1930s एंड 40s, ही रोट दैट लाइन इन एन अटैक ऑन नेहरू. थर्ड मिथ है, नेहरू स्टोल पीएम पोस्ट फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छीन ली थी. तो यह बिल्कुल झूठी अफवाह है. पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों का ही था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी. गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल से विचार विमर्श करके ही यह अनाउंसमेंट की थी, जिस पर सरदार पटेल का पूरा सहयोग. महात्मा गांधी वॉज इन मैनी वेज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी. ही आस्क्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल दैट डोंट यू थिंक दैट पंडित नेहरू वुड बी अ बेटर चॉइस टू लीड द गवर्नमेंट ऑफ दिस टाइम विद यू वर्किंग इन हिज सपोर्ट. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल willingly agreed to serve as deputy prime minister and home minister to Jawaharlal Nehru. Myth number 4,
वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अ वुमेनाइजर। इस मिथ में डायरेक्टली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैरेक्टर को ब्लेम किया जा रहा है। सो इट्स ट्रू और नॉट, लेट्स सी। टू फोटोग्राफ्स पर्टिकुलरली बीन सर्कुलेटेड दैट ही वॉज अ सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेट्रेट पब्लिक वुमेनाइजर। ये दो फोटोज़ अक्सर सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर सही नहीं था, बट इन पिक्चर्स की रियलिटी कुछ और ही है। द फर्स्ट पिक्चर शोज़ एम्ब्रेसिंग हिज ओन सिस्टर। फर्स्ट पिक्चर में जो है वो इनकी सगी बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, हु इज किसिंग हिम ऑन एयरपोर्ट एज ही कम्स बैक फ्रॉम अ फॉरेन ट्रिप। जब वो एक फॉरेन ट्रिप से लौट रहे थे तो उनके स्वागत के लिए वो वहाँ पे खड़ी थी और उनको इतने दिनों बाद देखा तो उन्होंने अपने भाई को किस किया था। ये कोई अलग से कोई लेडी नहीं है, ये उनकी खुद की सगी बहन है। एंड द सेकेंड पिक्चर शोज हिज नीस नयनतारा सहगल। ये जो सेकेंड पिक्चर है इसमें इनकी नीस है, इनकी खुद की भांजी या भतीजी, हु कॉल्स हिम अंकल एंड वॉज किसिंग हिम अफेक्शनेटली ऑन अ पब्लिक ओकेजन। तो ये पिक्चर जो है ये पंडित नेहरू जी की नीस की है जो अपने अंकल के प्रति अपने प्यार को दर्शा रही हैं। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के रिलेशनशिप के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू और लेडी एडविना माउंटबेटन के बीच गहरा रिश्ता था। दोनों निसंदेह एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, मगर हाँ इन रिश्तों को कहाँ तक के आगे लेकर जाना है देखा जाए तो यह एक भ्रम है। एडविना भारत के आखिरी अंग्रेज लुविस लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। माउंटबेटन काफ़ी व्यस्त रहते थे और एडविना एक इंट्रोवर्ट नेचर वाली इंसान थी। वो ज़्यादा किसी से भी बातचीत नहीं करती। एडविना के हस्बैंड माउंटबेटन और एडविना से नेहरू जी की अक्सर मुलाकात होती रहती थी, जो कि भारत की आज़ादी के बाद तब तक कायम रही जब तक नेहरू जी जिंदा रहे। वो लगातार उन्हें पत्र लिखते रहे और ब्रिटेन में उनसे मुलाकात भी होती रही। इसके अलावा एडविना भी साल भर में एक दो बार भारत ज़रूर आती और सरकारी मेहमान के रूप में ठहराई जाती थी। एडविना और नेहरू जी की इतनी गहरी बॉन्डिंग यानी इतनी गहरी दोस्ती के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन अच्छी तरह से जानते थे। एडविना की बेटी पामेला माउंटबेटन तक स्वीकार करती कि नेहरू और उनकी माँ एडविना एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि पामेला ने एक इंटरव्यू में कन्फेस भी किया कि उन दोनों के बीच कोई भी रॉन्ग रिलेशन नहीं था, उनके बीच गहरी भावनाओं का एक अटूट रिश्ता था जो शायद लोगों को समझने के लिए मुश्किल लगे। एडविना के निधन के बाद उनकी बेटी पामेला ने खुद सारे खत पढ़े और इस बात को कबूल किया कि वो सभी खत काफ़ी मैच्योर ढंग से लिखे गए थे। दोनों की हॉबीज़ यानी रुचियाँ वो भी एक जैसी थी। नेहरू जी ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और एडविना भारत से। नेहरू एंड एडविना मेट व्हेन ही वॉज ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ओल्ड एंड इट वॉज जस्ट अ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप। अ हाइपोथेटिकल अफेयर बिटवीन नेहरू एंड एडविना इन्वॉल्व्ड नाइदर। द ओनली अदर पर्सन विद अ स्टेक इन दिस इज हर हस्बैंड लुविस माउंटबेटन। ही सीम्ड टू बी फाइन विद वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन। एनीवे, नेहरू जी की एक और अच्छी दोस्त रही सरोजनी नायडू की बेटी पंजा नायडू, और यह पंडित नेहरू के साथ साथ उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित की भी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। मिथ नंबर 5, वॉज पंडित नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस डिसलाइक ईच अदर। क्या वो पंडित नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे को नापसंद करते थे? इट्स राइट और रॉन्ग, लेट्स सी। फेक लेटर्स एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लेम्स कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट बोस एंड नेहरू हैड ग्रेट एडमिरेशन फॉर ईच अदर। यस, इट्स ट्रू दे हैड देयर डिफरेंसेस, बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट दे हैड मच रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर।
और यह बात इस इंसिडेंट से भी साबित होती कि जिस दिन अंग्रेज़ों द्वारा भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, उन्होंने जेल में उनसे मिलने आए उनके वकील से, खासकर नेहरू और बोस जी को, उनके मामले में प्रदान की गई कानूनी और भी अन्य मदद के लिए धन्यवाद करने को बोला। और यह बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये भगत सिंह और दोनों नेताओं के बीच आपसी सम्मान को दर्शाता है। आई रियली होप कि इस वीडियो की हेल्प से आपके मिसकंसेप्शंस दूर हुए हों और आगे कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी जांच अच्छे से कर लें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन कॉन्कॉक्ट फॉल्स लेटर्स एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स टू मेक एलिगेशंस अनसपोर्टेड बाय द हिस्टोरिकल एविडेंस। One must look at one's sources carefully and not attempt to base oneself on spurious letter being circulated on WhatsApp and other social media apps. Thanks for watching video and Jai Hind.